नमस्कार, सिटी न्यूज में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सलोनी कश्यप, आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षण निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरि सिंह ढिल्लो ने अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी का नामांकन दाखिला कराने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार भी पहुंचे। नामांकन से पहले एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस कार्यक्रम में सभी नेताओं ने अपना वक्तव्य के माध्यम से हरि सिंह ढिल्लो को अपना विश्वास जताया। सभा के बाद जुलूस के साथ कमिश्नरी पहुंचे, अपना पर्चा दाखिला कराया। नामांकन के बाद हरि शंकर ढिल्लो ने चुनाव में अपनी जीत भरोसा जताया। वहीं केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार कहा कि एमएलसी के चुनाव में पार्टी की जीत निश्चित। उन्होंने कहा कि बाहर के नतीजे बता रहे हैं, अब हर चुनाव में भाजपा का पंचम लहराएगा। बाइट संतोष कुमार केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, बाइट हरि सिंह ढिल्लो भाजपा प्रत्याशी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहली बार शीर्षक का चुनाव लड़ रही है और मनसा भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल साफ है, हमारा मनसा बिल्कुल साफ है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है शिक्षक क्षेत्र का और वहाँ प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के चुनकर नहीं जाते थे। तो पहली बार निर्णय लिया गया कि चुनाव लड़ना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के हैसियत से मैं कहता हूँ, जाएंगे तो जितनी भी शिक्षक समस्याएं हैं, चाहे वित्तहीन की शिक्षक समस्या हो, चाहे स्ववित्त पोषित की हो, चाहे महाविद्यालय की हो, ITI पॉलिटेक्निक, चाहे हायर एजुकेशन की हो, सबको सदन में उठाएगा, उनका निदान कराएंगे प्राथमिकता के साथ। जीत को लेकर क्या आपकी उम्मीदें हैं, कितना अंतर रहेगा, किस तरह से? चुनाव है ही नहीं, चुनाव ही नहीं है, ये देख रहे हैं आप। किस तरह से फाइट रहेगी देख रहे हैं आप, ये आप देख लो, ये जनमानस बताया शिक्षक है सर, कोई टक्कर में नहीं है जी। अरे शिक्षक मत पढ़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर। उम्मीदें तो अभी टेलीविजन पर दिखा रहा है कि बिहार के बारे में पता नहीं क्या क्या लोग कल्पना कर रहे थे, अब सीधा बहुमत भारतीय जनता पार्टी और NDA का आ रहा है। जिस प्रकार से नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो हमारा मानना है कि योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो भी परिणाम रहेगा सब आशा के अनुरूप रहेगा। डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो एक लंबे समय से यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आज उनका नामांकन है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरी जो उनकी क्षेत्र है, 9 जनपद हैं, उन सबके स्थानों से प्रमुख कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया है, आज उनका पर्चा दाखिल हो रहा है। माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश हमारे साथ मौजूद है और मैं विश्वास करता हूँ एक भारी बहुमत से ढिल्लो को मतदाता लोग मिलकर चुनने का काम। हेलो, बीजेपी के पास है काफ़ी टाइम से, बीजेपी इस सीट पर काबिज है, तो क्या लगता है? नहीं, वास्तव में जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार काम कर रही है, लोगों का विश्वास और भरोसा हम लोगों के प्रति बन रहा है और बढ़ रहा है, और ढिल्लो को भी भारी बहुमत से लोग जिताने का काम करेंगे।